नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। विधानसभा निर्वाचन सामान्य 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रायोजित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांगजन और सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान के शीर्षक हम भी वोट करेंगे लोकतंत्र मजबूत करेंगे की थीम के तहत आज जनपद बांदा के विकास भवन से 80 दिव्यांगजनों जिसमें 50 दिव्यांग ट्राईसाइकिल, 20 ई रिक्शा और 10 मोटर ट्राईसाइकिल के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पटेल के नेतृत्व में जिला प्रशासन के जिला निर्वाचन अधिकारी सहित स्वीप प्रभारी अधिकारी सहित अधिकारी कर्मचारी महाराणा प्रताप चौराहे से पैदल भ्रमण करते हुए कालू कुआं होते हुए ओवरब्रिज से बाबूलाल चौराहे से अमर टॉकीज होते हुए छावनी से महेश्वरी देवी मंदिर होते हुए रामलीला मैदान पर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय कर उपरोक्त कार्यक्रम का समापन हुआ जिसमें दिव्यांगजनों सहित सभी अधिकारियों और महिला टीम सहित जनपदवासियों को 23 फरवरी 2022 को मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। दिव्यांग मतदाताओं ने जनपद में भ्रमण कर जनसामान्य को प्रेरित कर एक अलग जगाई है। इससे समस्त जनपदवासियों को एक सीख लेनी चाहिए कि यदि दिव्यांगजन बूथ पर जाकर वोट कर सकते हैं तो जनपदवासी क्यों नहीं। गाजे बाजे के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम एक उत्सव के रूप में जनपद की विभिन्न तहसीलों और विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में मनाया जा रहा है। मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न चौराहों पर माइकिंग और तालियां बजाकर जन सामान्य को मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल ने माइकिंग करते हुए जन सामान्य से अपील किया है और कहा है कि देश के हर नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि वह अपना कीमती मत का दान करें, अर्थात मतदान के महापर्व में भाग लेकर देश को सही प्रतिनिधि देने में अपना सहयोग करें, क्योंकि हम सभी को लोकतंत्र में मत देने का अधिकार है और यह अधिकार हमें इसलिए दिया गया है कि हम तय कर सकें कि देश को कौन चलाएगा और कौन इस देश को चलाने योग्य है। इसलिए जनपदवासियों से मैं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल से अपील करता हूं कि आप सभी लोग लोकतंत्र में मतदान के महत्व को अच्छी तरह से समझें और अपने देश प्रदेश और जनपद को तरक्की की ओर बढ़ाने में सहयोग करें। उन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा है कि लोग आते गए और कारवां बनता गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी, स्वीप प्रभारी अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल, जिला विकास अधिकारी रवि किशोर त्रिवेदी, सीडीओ स्टेनो अनूप रावत, विकास भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रीता सिंह, समाज कल्याण अधीक्षक जितेंद्र मिश्रा, तहसीलदार सदर पुष्पक और समाज कल्याण के समस्त कर्मचारी सहित अधिकारी कर्मचारी दिव्यांगजन महिला पुरुषों ने प्रतिभाग किया और 75% मतदान करने की अपील की। समाचार के लिए बांदा से आशा देवी की हम भी मतदान करेंगे। ये हमारे जितने दिव्यांग साथी हैं पूरे बांदा जनपद के, ये सारियों को आज मोटिवेट कर रहे हैं कि जब हम 3-4 किलोमीटर चल सकते हैं तो आप भी 23 फरवरी को चल करके, पैदल चल करके 23-2 को वोट करेंगे और बांदा जनपद का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा 2017 में मात्र 59.65% वोटिंग हुई थी और हमारा जनपद विधानसभा चुनाव में प्रथम श्रेणी में भी पास नहीं हुआ था। तो इस बार जो 23 फरवरी को बांदा जनपद के चारों विधानसभाओं में वोटिंग है उसमें हम लोग 75% से अधिक मतदान करने के लिए विशेष योग्यता के साथ पास होने के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे जितने दिव्यांगजन है शहर में घूम घूम करके कुंडी खटखटा करके लोगों से 75% से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वोट करेंगे, वोट करेंगे, 23 को वोट करेंगे, लोकतंत्र मजबूत करेंगे, इस स्लोगन के साथ हम सारियों को मोटिवेट करेंगे। सर, पिछले जिलाधिकारी ने 2019 में 90 एक्स्ट्रा हुआ था, आपके उसमें कितना बढ़ेगा? नहीं, आपके पूर्व जिलाधिकारी ने 90% का नारा दिया था लेकिन हुआ था 23% वोटिंग। तो हम रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, हम 90% नहीं बल्कि रियलिस्टिक अप्रोच है। हमारा जनपद 60% भी नहीं कर पाया था तो 75% से आगे ले जाना चाहते हैं। 75% प्लस में 90% भी शामिल है, 100% भी शामिल है।